हेलो फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि नेम ऑल द रेडाई डायमीटर्स एंड कॉर्ड्स इन दिस सर्कल। तो यहाँ देखिए, रेडाई मतलब मोर देन वन रेडियस है या एक से ज़्यादा रेडियस है। यहाँ डायमीटर्स है, यहाँ पे एस दिया है डायमीटर के साथ, यानी एक से ज़्यादा डायमीटर है। और यहाँ पे कॉर्ड्स दिया गया है, यानी कॉर्ड के साथ एक एस है, यानी एक से ज़्यादा कॉर्ड है। तो हमें पता है रेडाई जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से जो भी पॉइंट ऑन द सर्कल है उसको ज्वाइन करता है। तो यहाँ देखिए, इस सर्कल में ये सेंटर ओ है एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल जो है वो पी क्यू आर एस है। तो सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल को ज्वाइन करता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है पी क्यू आर एस और ये सेंटर जो ओ है, ओ से ओ क्यू या यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओ पी, ये लाइन सेगमेंट सेंटर से ये पॉइंट जो पी है उसको ज्वाइन करता है। तो ओ पी हमारा एक रेडियस है, ओ पी। नेक्स्ट है, ये पॉइंट ऑन द सर्कल है और सेंटर में ये पॉइंट ओ है और ओ क्यू लाइन सेगमेंट ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो ओ क्यू हमारा और एक रेडियस है। नेक्स्ट है, आर एक पॉइंट ऑन द सर्कल है और सेंटर ओ से ओ आर लाइन सेगमेंट ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो ओ आर, थोड़ा हम लोग इस चीज़ को सीक्वेंशियली लेंगे। नेक्स्ट है, सेंटर ओ है और ऑन द सर्कल ये पॉइंट एस है और ओ एस लाइन सेगमेंट ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो ये भी एक रेडियस है ओ एस। तो यहाँ 4 रेडाई हैं। नेक्स्ट है डायमीटर्स। तो डायमीटर्स जो होते हैं वो एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं और वो सेंटर को देखे पास करता है। तो यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट्स हमारे हैं सर्कल के ऊपर पी क्यू आर एस, तो ये लाइन सेगमेंट जो है पी आर, ये पी और आर पॉइंट्स को ज्वाइन करता है और ये सेंटर ओ देके पास करता है। तो पी आर हमारा एक डायमीटर है। सिमिलरली एस क्यू पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, एस और क्यू पॉइंट्स ऑन द सर्कल है और इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करता है वो सेंटर को देके पास करता है और ये जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, यानी जो एस क्यू लाइन सेगमेंट है उसके एक पॉइंट में एस है, पॉइंट एस, और एक पॉइंट में और इसका और एक एंड पॉइंट क्यू है। तो एस क्यू हमारा एक डायमीटर है। तो पी आर और एस क्यू हमारे दो डायमीटर्स हैं। ये दोनों केस में इनके एंड पॉइंट्स जो है सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं और ये देखिए पी आर जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं। सिमिलर एस क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं और ये दोनों लाइन सेगमेंट सेंटर को देके पास करते हैं। पी आर सेंटर ओ देके पास करता है, एस क्यू सेंटर ओ देके पास करता है। तो इस केस में दो डायमीटर्स हैं हमारे। नेक्स्ट है कॉर्ड्स। तो कॉर्ड जो होता है वो भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए करते हैं एंड कॉर्ड जो होता है वो मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर, यानी हो सकता है वो सेंटर देके पास करें, हो सकता है वो सेंटर नहीं भी देके पास करें। अगर जो भी कॉर्ड होता है वो सेंटर देके पास करता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं और डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। अदरवाइज जो भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाइक करेंगे तो उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं और ये एक कॉर्ड है लेकिन ये सेंटर देके पास नहीं करता। तो पी क्यू हमारा एक कॉर्ड है, पी क्यू। नेक्स्ट है, क्यू आर के भी एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं लेकिन ये हमारा सेंटर देके नहीं पास करता, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉर्ड जो होता है वो सेंटर देके पास कर सकता है या सेंटर नहीं भी देके पास कर सकता है।
तो क्यू आर हमारा एक कॉर्ड है। नेक्स्ट है आर एस। आर एस जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं, तो आर एस हमारा एक कॉर्ड है। सिमिलरली एस पी जो लाइन सेगमेंट है इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं, तो एस पी हमारा एक कॉर्ड है। अभी ये देखिए पी आर जो हमारा डायमीटर हम लोग पहले लिए थे, पी आर भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं और वो सेंटर देके पास करता है, यानी पी आर जो है वो हमारा डायमीटर भी है और वो कॉर्ड भी है, और पी आर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहा जाता है, तो पी आर जो है डायमीटर हम उसको भी लेंगे। सिमिलरली एस क्यू जो है इसके एंड पॉइंट्स, ये लाइन सेगमेंट है एस क्यू, इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं और ये जो लाइन सेगमेंट है ये सेंटर देके पास करता है, यानी ये डायमीटर भी है और ये कॉर्ड भी है, तो एस क्यू ऐसे लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है।